भारत चीन को तबाह कर देगा और वो भी चीन के नियम से ही धीरे धीरे। चाइना एक नीति को फॉलो करता है कि किसी को अगर बर्बाद करना है, किसी को अगर तोड़ना है तो एक बार में मत करो, धीरे धीरे खोदो। और ये गेम चाइना के ऊपर उल्टा पड़ गया है। भारत धीरे धीरे ही सही लेकिन चाइना का काउंटर करते जा रहा है। लेकिन अब जो हुआ है उसमें भारत को बहुत बड़ा फायदा हुआ है और चाइना का जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो तबाह होने जा रहा है। और इन सारी चीजों से बखड़ा करके चाइना ने पाकिस्तान को पैसा देने से भी मना कर दिया है। पाकिस्तान बार बार चाइना के पास भीख मांगने के लिए पहुंच जाता है। इस बार जब पाकिस्तान चाइना से भीख मांगने गया तो वहाँ भी गेम उल्टा हो गया। चाइना खुद पाकिस्तान से भीख मांगने लगा। चाइना बोला पाकिस्तान से, अगर तुम मेरे को $2 बिलियन नहीं दोगे तो हम जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को हम वापस कर लेंगे। इस चीज से साफ पता चल रहा है कि चाइना किस तरह से बर्बाद हो रहा है। जिस देश को चाइना पैसा देता था उल्टा चाइना उसी से पैसा मांग रहा है। ये तो एक दो दिन पहले की बात है लेकिन अब जो हुआ है ये और भी खतरनाक है। जापान, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री सब ने मिलकर के चाइना पे एक वॉर किया है। दुनिया की कई सारी टॉप कंपनी है जो कि सेमीकंडक्टर बनाती है। मैं आपको दुनिया की बड़ी बड़ी सेमीकंडक्टर की लिस्ट दिखाऊंगा कि कैसे वो सारी कंपनियां चाइना को छोड़कर के भारत आना चाहती है। एक साथ कई सारी कंपनियां भारत में तीसरी बार पीएम मोदी के गवर्नमेंट को बनते हुए देख करके सारे कंट्री को लग गया है कि भारत में स्टेबल गवर्नमेंट रहने वाली है। अब अगर हम भारत नहीं गए तो 5 साल हमारा और बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि दुनिया की बहुत सारी सेमीकंडक्टर बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनी एक साथ भारत आने को तैयार हो गई है और चाइना को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। क्या है पूरा अपडेट, आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्ते, वेलकम यू अनदर वीडियो भीएस मोटिवेशन, मैं हूं विकास। दोस्तों, भारत सरकार भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाना चाहती है, ये बात आप सभी जानते हैं और इसके लिए हम लोग हर तरह के प्रयास को कर रहे हैं। भारत सरकार कई स्कीम के माध्यम से इन विदेशी कंपनियों को अपने भारत की ओर अट्रैक्ट कर रही है और ये लोग अट्रैक्ट हो भी रहे हैं क्योंकि इनको काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है भारत सरकार के PLI स्कीम के जरिए। और ये सारी कंपनियां अब भारत आने के लिए तैयार हो चुके हैं। यहां पर आप दुनिया की जानी मानी सेमीकंडक्टर कंपनी की लिस्ट को देख पाओगे। अप्लाई मटेरियल, ये अमेरिका की सेमीकंडक्टर कंपनी है जो भारत आना चाहती है। लैम रिसर्च, ये भी बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है जो भारत आना चाहती है। KLA, ये भी भारत आना चाहती है। इसके अलावा जापान की जो कंपनी है टोक्यो इलेक्ट्रॉन, ये भी सेमीकंडक्टर बनाती है और ये भी भारत आना चाहती है। दुनिया में सेमीकंडक्टर के मामले में 24 नंबर पर आती है डिस्को कॉर्पोरेशन, ये भी भारत में आना चाहती है। देखा जाए तो कई सारी कंपनियां हैं जो भारत में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट को एस्टेब्लिश करना चाहती है। और जब इतनी सारी कंपनियां भारत में आएगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। नो, ये सब हो कैसे रहा है? गाइस, इसका रीजन आपको भी पता है कि अमेरिका और चाइना इन दोनों की अभी बन नहीं रही है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने चाइना से इंपोर्ट होने वाली जो चीजें हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह, सेमीकंडक्टर, इन सब के ड्यूटी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे तो उन्होंने 100% ड्यूटी लगा दिया है और सेमीकंडक्टर का जो ड्यूटी था वो 25% था, उसे भी बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। इससे चाइना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और यही कारण है कि जो कंपनियां चाइना में चीजों को बना रही है वो सब चाइना को छोड़ करके भारत आ रही है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में इस तरह का 100% इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाया जाता है। बल्कि हम कई कंट्री के साथ FTA पर साइन कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। ठीक ऐसा ही जापान के द्वारा किया गया है। जापान की भी कई सारी कंपनियां चाइना में है, वो भी अब चाइना को छोड़ करके भारत आना चाह रही है क्योंकि जापान और चाइना वो दोनों भी दुश्मन है। जिस तरह से भारत और चाइना है ठीक उसी तरह से जापान और चाइना है। ट्रेड होती है लेकिन दोनों दुश्मन है और इन सारी चीजों का अल्टीमेटली फायदा हमें हो रहा है भारत को। ये कंपनियां भारत में इसलिए आना चाहती है क्योंकि भारत की जनसंख्या काफी ज्यादा है, भारत में लोगों को रोजगार चाहिए। यहाँ पर लोग बाकी कंट्रियों के तुलना में कम पैसा में उनको मजदूर और लेबर मिल जाएंगे। दुनिया में सेमीकंडक्टर को लेकर के जो भी एग्जीबिशन होता है उसको कराने का काम सेमी कंपनी करती है और इस तरह का जो एग्जीबिशन है वो जापान, यूरोप, ताइवान, साउथ कोरिया, चाइना इन्हीं कंट्रियों में होता था। लेकिन अब ये वाला एग्जीबिशन भारत में होने जा रहा है, सितंबर के महीने में न्यू दिल्ली में इसको कराया जाएगा और ये बहुत बड़ी बात है। सेमीकंडक्टर का एग्जीबिशन भारत में होगा, मतलब दुनिया भर की सेमीकंडक्टर कंपनी इस एग्जीबिशन में शामिल होगी। इससे अल्टीमेटली भारत को फायदा होगा और भारत सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए आगे बढ़ेगा। अगर ये सारी कंपनियां भारत में आती है तो भारत में बहुत सारा फॉरेन रिजर्व आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा और हमारी ग्रोथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सब कैसे हो रहा है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि भारत सरकार का जो प्लान है, जो नीतियां हैं, जिस तरह से भारत को बदला जा रहा है, जिस तरह से इन कंपनियों को भारत में सुविधा मिल रहा है, ये कंपनियां भारत में आना चाहती है। जब कोई एक कंपनी भारत में आता है और वो चल पड़ता है तो उसको देख करके और भी कई सारी कंपनियां भारत में आती है और भारत में पहली बार में ही दुनिया की सबसे अच्छी मोबाइल कंपनी एप्पल चली आई और वो अपना फैक्ट्री बना करके भारत के 1.5 लाख लोगों को रोजगार भी दे रही है और हमारे भारत में मेड इन इंडिया आईफोन बन रहा है, असेंबल हो रहा है और वो अमेरिका में जाकर के बिक रहा है। इस चीज को देख करके, इस सक्सेस को देख करके ये सारी कंपनियां भारत में आने के लिए तैयार हो गई है कि अब भारत में उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, फैसिलिटी मौजूद है कि हम अपने प्लांट को भारत में सेटअप कर सकते हैं। तो ये सब मेन रीजन रहा है। बाकी आप इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं गाइस? क्या अपना प्यारा भारत सेमीकंडक्टर हब बनेगा? कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िएगा। नो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।